हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर आमिर। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी का एक रिमोट लेकर आ चुके हैं, जिसका मैं एक एक फीचर्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके एक एक फीचर्स के बारे में बात करूंगा। एंड गाइस, रीसेट का भी बटन बताऊंगा, जो कि बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था कि रीसेट का बटन आप लोग रीसेट का फीचर्स आप नहीं बताते, तो उस फीचर के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा भी काफी सारा इस एसी के रिमोट में फीचर्स है, वो टोटल इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, जरा भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। और यहाँ पर फ्रेंड मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी का रिमोट हमारे सामने है, जो 1.5 टन का एसी है उसी का रिमोट है। यहाँ पर देख सकते हो एसी भी लगा आपको दिख रहा होगा, ये न्यू इंस्टॉलेशन हुआ है। एंड गाइस, मैं अब आप लोगों को इसका फीचर्स बताने वाले हूँ रिमोट का, स्टेप बाय स्टेप करके। तो वीडियो पे बने रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले बटन जो हमें मिलता है वो ऑन ऑफ का बटन मिलता है, ठीक है। इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे आपका एसी ऑन हो जाएगा और ऑफ हो जाएगा इजिली। एंड गाइस, नेक्स्ट हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेचर अप डाउन का बटन है, इससे आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा बढ़ा सकते हो, और इससे टेम्परेचर आपका घटा सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, रूम के हिसाब से क्या मुझे कितने टेम्परेचर पे रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको फैन का बटन एक दिख रहा होगा, इस फैन का बटन को आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। देख सकते हो एक सिंबल आ चुका है आपके डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में अपने हिसाब से सेटअप कर लो कि हवा का आपको कितना चाहिए, जो इंडोनेट में जो हवा मिलता है कि कम चाहिए, मीडियम चाहिए, फिर ज़्यादा चाहिए, अपने हिसाब से वहाँ पर आप सेट कर सकते हो फैन बटन से, ठीक है। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं एक नो कूल का यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, ये आपका पावर सेविंग का बटन है, ठीक है। इसको आप प्रेस कर देते हो ऑटोमेटिक आपका 24 डिग्री में चल जाएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एंड गाइस, उसके बाद आप इससे मतलब कि अपना पावर सेविंग को बचा सकते हो, कि जब इसको आप प्रेस कर देते हो आपका ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेटअप हो जाएगा रूम के हिसाब से, और आपका पावर कंजम्पशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। एंड गाइस, नेक्स्ट स्टेप का बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मोड का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। इस मोड का बटन को प्रेस करके अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका अलग मोड आ गया, जैसे कि इसे हम लोग कहते हैं ड्राई मोड। ड्राई मोड पे आने से आपको ये होगा, आपका जैसे कि अभी मौसम आपका चल रहा है बरसात का सीजन का, ठीक है, इस मोड पे आप रखोगे तो आपका कूलिंग बहुत अच्छा हो, कोई तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है, आपका मौसम के हिसाब से आपका ड्राई मोड पे अगर आप सेटअप करते तो। एंड गाइस, इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको फ़ैन का, ठीक है। इस मोड पे आप कर दोगे फैन का, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिर्फ पंखा चलेगा, कूलिंग आपका नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑटो मोड का, ऑटो मोड पे आप प्रेस कर दो तो ऑटोमेटिकली रूम के हिसाब से आपका कंप्रेशर ऑन हो और ऑफ होगा, ठीक है। तो आपको इससे अच्छा रहेगा आपको कूल मोड पे हमेशा रखना है। कूल मोड पे सेटअप रखने से ये होगा कि कूलिंग आपका बहुत अच्छा होगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड गाइस, यहाँ पर एक वैन का बटन आपको दिख रहा होगा, इस वैन का बटन को आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो कि आपको जो फ्लैप रहता है सामने का स्विंग उसको किस डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। अपने हिसाब से इसे सेटअप कर सकते हो, जितने जो भी डायरेक्शन में आपको रखना है वैन बटन से आपका बस वही काम होगा। एंड गाइस, हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पावर कूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस बटन को प्रेस करने से ये होगा कि आपका मतलब 3 से 4 लोग अगर आपके घर के अंदर है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो इस बटन को प्रेस करते हो तो कंप्रेसर हाई स्पीड पे चलने लगेगा और आपका कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस बटन को प्रेस करने से बस यही होता है पावर कूल का, जल्दी कूलिंग चाहिए तो इस बटन को प्रेस कर दो, इजिली आपका कूलिंग बहुत अच्छा मिलता है आपको रहेगा। एंड गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट आपको एक बटन मिल रहा होगा नीचे की तरफ, आपको देख सकते हो यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे, पावर कूल का बस ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर सिलेक्ट का बटन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस बटन को प्रेस करने से आपका ये होगा अपने हिसाब से स्लीप मोड को ऑन कर दोगे और टाइमिंग को सेटअप कर सकते हो। लास्ट आपका 6 घंटा होगा, ठीक है, 6 घंटा टाइमिंग पर आप सेटअप कर सकते हो स्लीप मोड को, 2 घंटा 3 घंटा या फिर 6 घंटा, ठीक है। तो इसी बटन से आपका स्लीप मोड ऑन होगा और सिलेक्ट होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप दिख रहा होगा यहाँ पर एक टाइम का बटन, ठीक है, इस टाइम का बटन से आप अपने इजीली अपने रिमोट का टाइमिंग को आप सेटअप कर सकते हो। एंड गाइस, नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो रीसेट का बटन आपको दिख रहा होगा, इस रीसेट का बटन को अगर प्रेस कर देते हो ऑटोमेटिकली आपका जो भी बटन वगैरह को आप गलती से यहाँ वहाँ सेटअप कर चुके हो, जैसे कि मोड वगैरह इधर उधर हो गया या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस मोड पर मुझे रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना, रीसेट का बटन को आप प्रेस कर देते हो। तो रीसेट का बटन प्रेस करने से ये होगा जिस तरह से आप न्यू में जिस टाइप का रिमोट आता है ऑटोमेटिकली उसी टाइप का आपका सेटअप हो जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो इजिली आप रीसेट बटन से ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो जिस तरह से आपका न्यू आया था, ठीक है। तो यही कुछ फीचर्स के बारे में बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।